बांसवाड़ा शहर के राती तलाई में आज ट्रिपल मर्डर होने की जानकारी मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया, जहां मां बेटे के साथ बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। खून से लथपथ तीनों के शव घर में पड़े हुए थे। बांसवाड़ा शहर के कंट्रोल रूम में आई जानकारी के बाद मौके पर बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक कविंद्र सागर तत्काल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर पहुंचने पर देखा कि घर के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। पुलिस ने जब घर को खोलकर अंदर प्रवेश किया तो घर के अंदर तीन शव खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। घर का फर्श खून से सना हुआ पड़ा था। वहीं मौके पर एक चाकू भी मिला। इस घटना में महिला, बच्ची और बच्चे की मौत हो गई, लेकिन पिता के फरार होने की खबर सामने आई है। प्रथम दृष्टया पुलिस महिला के पति को ही आरोपी मान रही है। हालांकि पुलिस आरोपी से जुड़े तमाम सबूत जुटाने में जुटी है। वहीं आसपास के लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पति की तलाश में जुटी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को प्रथम दृष्टि से मर्डर में लिप्त पति का हाथ होने का बता रही है, लेकिन अभी जांच होने तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वहीं तीनों के शव एम्बुलेंस की मदद से शहर के जिला अस्पताल के मोर्चल घर में भिजवा दिए गए। एसपी कविंद्र सागर ने बताया कि जिनकी हत्या की गई है वह धौलपुर के रहने वाले हैं और यहां पर किराए के मकान पर रहते थे। तीन डेड बॉडी मिली यहां पर, एक महिला की डेड बॉडी है जिसकी एज लगभग 37 ईयर है, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। तीन लोग की डेड बॉडी मिली है, लोगों को इंटरव्यू से सूचना मिली थी कैसे ऐसे तीन लोग की डेड बॉडी पे गए, उसको हम लोग पुलिस यहाँ पे आई तो यहाँ पे SHO कोतवाली और बाकी अधिकारी भी है तो आके देखा तो ये तीन डेड बॉडी थी और पूरा खून वगैरह है पूरा कमरे में और कुछ चाकू वगैरह भी यहाँ पे जो है मिले हैं एक्चुअली। तो बाकी FSL टीम और डॉग स्क्वाड को और जो भी एक्सपर्ट्स हैं सबको बुला के यहाँ पे हम लोग आगे जो है छानबीन कर रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं।